हे गाइस, सो स्वागत है आप सभी का और एक बार अपने और एक नए वीडियो पे। सो एक बहुत ही बड़े गैप के बाद हमारा और एक वीडियो आ रहा है। मतलब लिटरली आई थिंक मैंने लास्ट वाला एक कस्टम कास्ट किया था गामा का, एंड उसके बाद अब न्यूज़ आप सभी लोगों को पता ही चल चुकी होगी कि पबजी बैन हो चुका है। सो देखते हैं अब आगे और क्या 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 होगा, क्योंकि आज वो प्ले स्टोर से भी हट चुका है फिलहाल। हालांकि गेम चल तो रहा है, मतलब मेरे मोबाइल में भी चल रहा है, बट मतलब वो जो फील थी ना पहले वाली वो अब चली गई है। एंड वैसे भी फ़न के लिए तो मैं खेल लेता हूँ एक आध मैच, एंड बट प्ले स्टोर से तो निकल गया। अब देखते हैं कितने दिन और मोबाइल में वो चलेगा। सो आज हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी ट्राई कर रहे हैं। सो कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने पहले भी खेला हुआ है, अगर मतलब आई थिंक मैंने उसकी वीडियो अपलोड नहीं की थी, मैंने पहले भी खेला था। आई थिंक एक दो मैच खेले थे उसके बाद वो ऐसे ही पड़ा हुआ था मोबाइल में। सो एंड अब पबजी बैन के बाद उसे अपडेट करके सो अब उसे रेडी किया है। आज हम लोग एक डेट मैच खेलेंगे, ट्राई करेंगे डेट मैच खेलने का, ट्राई क्या खेलने ही वाले। सो लिटरली अगर मैं बात करूँ गेम की, अगर पबजी के बाद अगर कोई गेम होगा ना तो वो कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी ग्राफिक्स में पबजी से बहुत अच्छा है, लिटरली मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आता है। बट वो एक चीज़ होती है ना टीपीपी, वो चीज़ आई थिंक मैंने अभी तक तो नहीं देखी, आई थिंक होगी या नहीं होगी मालूम नहीं, बट मुझे टीपीपी की वजह से वो थोड़ा नीचे लगता है, बिकॉज बहुत सारे बंदे को टीपीपी पसंद है, एफपीपी कोई ज़्यादा वैसा खेलता तो नहीं है। एंड देखते हैं, मैंने पहले ही लॉगिन वगैरह करके रखा था, हम लोग अपडेट मैच खेलेंगे 5v5 का। सो देखते हैं, एक्साइटेड हूँ बहुत, बिकॉज बहुत दिन के बाद खेल रहा हूँ एंड कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने में वैसे मज़ा भी आएगा। तो देखते हैं अब मैच में कैसे क्या 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 होता है। आई थिंक मैं सेकेंड लेवल पे हूँ एंड देखते ओ ये मैच बीच में ही स्टार्ट हो गया आई थिंक। तो हम लोग ये मैच क्विट कर देंगे, बिकॉज हम फ्रेश मैच खेलेंगे भाई, पुराना मैच हम क्यों खेले तुम्हारा। ओके सो हम लोग ने एग्जिट तो कर दिया है, अब देखते हैं नया मैप अब कब स्टार्ट होगा। सो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आप कौन कौन से गेम खेल रहे हैं, मतलब क्या आपने और कोई गेम खेला हुआ है। बिकॉज मेरे दो फ्रेंड सर्कल में तो बहुत से लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी स्टार्ट कर दिया है, एक दो तीन जन तो फ्री फायर पे शिफ्ट हो गए, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं ना उसके मतलब पबजी बैन होने की वजह से एक बहुत ही बड़े मतलब इंडिया में जो ई स्पोर्ट्स का कल्चर है ना वो सडनली एक डाउन हो जाएगा। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे, बट अब फिलहाल के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी पे पूरा फोकस करना है एंड ये मैच जीतेंगे तो सही, बट देखते हैं अब मज़े करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये मैच ख़त्म होने के बाद इसके कंट्रोल चेंज कराऊंगा, बिकॉज ये कंट्रोल्स पे मुझे लिटरली खेला नहीं जा रहा है, बिकॉज अपना फोर फिंगर का हमें मतलब वो आदत। ओ भाई ये कहाँ पे, अरे भाई ओ भाई ये कुछ अलग ही है, यहाँ के गन्स बहुत ही अलग है गाइस। ओके मतलब पबजी से हालांकि हाँ वो ग्राफिक्स वगैरह तो एफपीपी की उतनी आदत तो नहीं है, आदत क्या खेलता ही नहीं हूँ मैं कभी एफपीपी, बट मुझे एफपीपी खेलना पसंद है बिकॉज फन होता है, बहुत मज़ा आता है एफपीपी खेलने में। तो देखते हैं आगे बढ़ते। ओके सो ये हमारे बंदे है, ओके ब्लू टीम हमारी है, मतलब रेड यानी अपोनेंट है क्या। ओके मैंने एक बंदे को मार दिया, यस मैंने एक बंदे को मार दिया। अब किल्स कहाँ पे दिखते हैं अपने, मुझे तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे। ओके यहाँ पे लेफ्ट में कॉर्नर में है क्या। ओके वो ओवरऑल टीम्स के किले, फिर अपना किल कहाँ पे दिखता है डेट मैच में, मतलब पबजी में दिखते थे ना आपने कितने किल्स वगैरह किए, वो यहाँ पे नहीं दिखता क्या, ये नहीं दिखता होगा। ट्राई करेंगे हम लोग ये मैच खेलने का पूरा एंड जीतने का भी। ओ भाई ये बैठ गए नीचे यार, ये कंट्रोल पे लिटरली खेला नहीं जा रहा है मुझसे, रिजोर्ट में चला गया वापस, कंट्रोल्स मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। कोई यहाँ पे आ गया भाई, तुम कहाँ गए भाई, बस रिलोड 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 रिलोड। तो भाई इसने किसी को मार दिया तो भाई। तो देखते हैं गेम, तो गेम तो पसंद है मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी, बिकॉज इसके ग्राफिक्स है ना एफपीपी में बहुत ही सेक्सी लगते हैं, बट बात वही आती है यार, मतलब पबजी था वो एक अलग ही गेम था। देखते हैं हम लोग स्विच करने का भी कोशिश करेंगे। एंड हाँ गाइस, एक सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, हम बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाले अपने चैनल पे, बिकॉज हम लोग अब लाइव स्ट्रीम करना भी स्टार्ट करेंगे। अब बंदे कहेंगे कि पबजी बैन होने के बाद फिर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, क्या करें भाई, नेट नहीं था हमारे पास, नेट कनेक्शन नहीं मिल रहा था। सो अब सब कुछ सेट हो गया, थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो एक दो तीन दिन में हम लोग स्ट्रीम भी स्टार्ट कर देंगे, हम पीसी गेम्स भी ट्राई करेंगे एंड हो जाए तो कॉल ऑफ ड्यूटी की भी हम लोग स्ट्रीम कर लेंगे मोबाइल गेम के लिए। एंड देखते हैं और कौन सा गेम हम लोग खेल, मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना गाइस कि
मतलब ऐसा कौन सा गेम है मतलब हम लोग स्ट्रीम कर सकते हैं मोबाइल गेम? ओके, पीसी गेम्स तो मुझे पता है, पीसी गेम्स में वैलोरेंट वैलोरेंट एंड फॉल गाय एंड ऐसा कुछ खेल लूँगा बिकॉज फिलहाल के लिए वही ट्रेंड में। हम लोग GTA 5 भी ट्राई करेंगे, सो देखते हैं किस तरह से क्या 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 बनता है। बट मोबाइल गेम्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना गाइस कि आप कौन सा गेम ट्राई कर रहे हो एंड मुझे भी क्या वो ट्राई करना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे, अगर अच्छा लगा हमें तो हम लोग वो खेलने को ट्राई करेंगे एंड स्ट्रीम भी करेंगे उसका, अगर वो गेम अच्छा। बिकॉज मैं कॉल ऑफ ड्यूटी का तो स्ट्रीम करने ही वाला हूँ, ये तो फिक्स है बात, बिकॉज ये गेम तो मुझे पसंद है थोड़ा इसमें। हालांकि फिलहाल के लिए तो हम लोग नूब है, बट ट्राई करेंगे इसमें प्रो बनने का। पबजी जैसा तो पबजी में भी मैं नूब ही था, कोई शक नहीं। तो खुद को नूब कह के वो भाई ये क्या हो गया, वो मेरी बुलेट्स ख़त्म हो गई थी। वो भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है भाई? चाकू 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 निकाल, चाकू स्विच क्यों नहीं हो रहा है? वो हो गया, वो भाई मार दिया मैंने इसे, चाकू से मार दिया। स्नाइपर लेके भागेंगे, तो भाई ये भाग गया। यहाँ पे बुलेट्स चल रही है, हम लोग थोड़ा पीछे चले जाते हैं। स्नाइपर वो ये लेट लेट कैसे गया भाई ये? ओ ओके, यहाँ पे ऐसा भी है क्या? ओ भाई ये गाइस ये गेम में ही है या फिर डेट मैच में? बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है कि इनका कुछ लेवल होता है, लेवल 7 के बाद इनके धीरे धीरे मतलब क्लासिक्स वगैरह सब ओपन हो जाते हैं, ऐसा मुझे तो लगता है। बिकॉज मैंने अभी तक मैच नहीं खेला है, हम लोग इसका मैच भी खेलेंगे एंड आई थिंक मैं स्ट्रीम पे खेलना पसंद करूँगा। सो फिलहाल के लिए हम लोग डेट मैच पे ही काम चला लेंगे। सो देखते हैं कैसा 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 बन रहा है। सो एक स्नैपिंग करेंगे, और भाई ये चला गया, और एक और एक और एक पहले लिटा दिया। ये कैंसिल नहीं होता क्या? मतलब स्कोप आउट करने पे डायरेक्ट शूट ही हो जाता है ये? एक ये कॉल ऑफ ड्यूटी की ही चीज़ है, मुझे जिसमें पबजी में मालूम है बीच में लेके आए थे वो एम असिस्ट का मतलब अपना क्रॉस एरर जो होता है ना, वो कंटिन्यू फायर पे रखने का, या फिर टैप था, कस्टम था, ऐसा कुछ था पबजी में भी था ये। बट ये एक अलग चीज़ है, बिकॉज आपका मतलब आप जब भी फायर करते हो ना, देखो आप जब भी मैं फायर करूँगा ना तो स्कोप ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड दूसरे इसमें ऐसा है कि आपका ऑटोमेटिकली मतलब एम चला जाएगा, अगर आप बंदों पे किसी बंदे पे अगर गन लाते हो तो ऑटोमेटिक फायर करना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे दो ही कंट्रोल आई थिंक, बिकॉज ये अगर आप क्लोज रेंज में अगर ADS खोलोगे तो भाई आपकी तो लगने तो वाली है, उसमें आप FPP खेल रहे हो। सो देखते हो भाई ये क्या कर रहा है, मुझे आई थिंक एमओ खत्म होने है, 69 एमओ बाकी है, वो अभी भी एमओ है मेरे पास। तो यस मज़ा तो आ रहा है मुझे खेलने में, अभी तक तो मैं एक बार भी नहीं मरा हुआ था। अगर आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से गेम को, अभी तक तो एक बार भी मैं मरा नहीं हूँ। सो देखते हैं कितना होता है यार। किल्स तो वैसे मेरे हो रहे बहुत सारे, बट मेरे किल्स नहीं दिखा है, कहाँ पे किल्स दिखा देगा अपना? तो यस 46 हुए हमारे किल्स। ओके भाई ये बंदा ऊपर चढ़ गया, 40 से अभी भी दो किल्स मांगता है, 48। एक बंदे को क्या मैं टेक ऑन कर लूँगा? ओके नहीं मिला, तो रिलोड पे चला गया। ओ भाई एक बंदे को ले लिया मैंने, फेल दिया। ओ भाई जीत गए, ये एक शख्सी है बहुत ही बढ़िया, स्लो मोशन में विक्ट्री मिल गई हमें। सो हम लोग देखेंगे हमारे भी कितने किल है, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा नहीं। ओके ये लास्ट किल दिखा रहे किसी का, तो अपने टीममेट से किसी ने किया होगा। ओके तो वीडियो कैसी लगी गाइज मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एक मतलब मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो डाला ये, एंड आई थिंक मैं चाहता तो अब हम कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यू रखने का पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज हमें स्ट्रीम भी करना है अब चैनल पे, बहुत मज़ा होगा एंड बहुत सारा बहुत कुछ अब ट्राई किया जाएगा। ओके तुम्हारा भाई MVP बना है यहाँ पे। ओके सो यस लेवल 3 से लेवल सीधा 5 पे चला गया, वाह भाई। सो वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कराना, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना गाइस कि आप कौन सा गेम ट्राई कर रहे हो एंड तुम्हारा भाई यहाँ पे Tier 2 पे चला गया है। सो मिलते हैं। ओ भाई यहाँ पे ओके 21 किल्स किए तुम्हारे भाई ने। ओके 21 किल्स अकेले ने किए मैंने, तो मज़ा तो आया मुझे खेल के। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय सी या एंड पीस आउट।